दोस्तों 1990 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्तों की खबरें पूरे भारत के अखबारों में छपी रहती थीं। मूवीज में अंडरवर्ल्ड के पैसों का इन्वेस्ट होना, ओवरसीज राइट्स की परचेज, एक्सटॉर्शन के फोन कॉल्स, ये सारी बातें आम हो चुकी थी। लेकिन इन सब खबरों के बीच गुलशन कुमार का नाम एक अलग ही कहानी बयां करता है। पुरानी दिल्ली स्थित दरियागंज के कैसेट दुकान से टी सीरीज कंपनी तक का सफर तय करने वाले गुलशन कुमार की हत्या पूरे देश के लिए शोक का पात्र थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में होने के बावजूद धर्म के नाम पे ज्यादा जाना जाता हो, उसका मर्डर किया जाना हम सब के लिए एक दुख भरा संदेश था। दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और अबू सलेम जैसे नाम कैसे इस हत्या में जुड़ गए और कैसे नदीम सैफी जैसा बड़ा कलाकार इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गया, यह हम सब के लिए कई सवाल खड़े करता है। इन सब के अलावा टिप्स म्यूजिक के ओनर रमेश तौरानी का इस मर्डर से क्या रिश्ता है? दोस्तों आज के इस वीडियो का मकसद गुलशन कुमार मर्डर कॉन्स्पिरेसी के इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढना है, जहां हम गुलशन कुमार की लाइफ के सारे मेजर इवेंट्स जानेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे गुलशन कुमार ने अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को छुआ और किन कारणों से उनकी हत्या की गई। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों गुलशन कुमार की कहानी शुरू हुई थी पुरानी दिल्ली के दरियागंज से। दरियागंज में गुलशन कुमार दुआ के पिता चंद्रभान कुमार की एक जूस की दुकान हुआ करती थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने पिता के साथ दुकान पे काम करना शुरू किया। समय के साथ साथ उन्होंने अपने बिजनेस को चेंज करते हुए टेप्स और कैसेट्स की दुकान शुरू की। यहीं से म्यूजिक से उनका रिश्ता बना। गुलशन कुमार की मेहनत और लगन से जब उनकी म्यूजिक कैसेट शॉप सक्सीड करने लगी तो यहीं से उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इन कैसेट के प्रोडक्शन का बिजनेस शुरू किया जाए, और इस तरह से म्यूजिक प्रोडक्शन जॉइंट टी सीरीज ने इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। धीरे धीरे गुलशन कुमार ने नोएडा में अपना स्टूडियो बनाया और म्यूजिक का बिजनेस शुरू किया। इस कंपनी को नाम दिया गया सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने मार्केट में टी सीरीज के नाम से बिजनेस किया। 11 जुलाई 1983 को रजिस्टर्ड इस कंपनी की शुरुआत गुलशन कुमार ने धार्मिक संगीत से की थी। बॉलीवुड फैशन के दौर में उस समय गुलशन कुमार द्वारा धार्मिक संगीत का चयन करना उनकी मानसिकता पे भी जाता है। गुलशन कुमार अपने पूरे जीवन में एक धार्मिक इंसान बने रहे, यहाँ तक कि अपने जीवन के आखिरी लम्हों में भी वो पूजा कर मंदिर से ही लौट रहे थे। दोस्तों कंपनी फॉर्म करने के बाद सुपर कैसेट्स ने, या यूं कहें टी सीरीज ने, छोटे कलाकारों को मौका देना शुरू किया और उन्होंने इस बात को एंश्योर किया कि उनके कैसेट दूसरी कंपनी से कम दामों में बिके, जिससे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इसे खरीद सके। गुलशन कुमार के इस अप्रोच ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन से लाया था। खैर समय के साथ गुलशन कुमार के कैसेट्स मशहूर होने लगे और आम जनता के बीच उन्होंने अपनी पहचान बना ली। टी सीरीज द्वारा इंडस्ट्री को दिए गए सिंगर पॉपुलर होने लगे और गुलशन कुमार ने धार्मिक संगीत के साथ हिंदी गानों के लिए भी कैसेट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए। इस कंपनी ने छोटे कलाकारों की प्रतिभा पहचान कर इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री को कई टैलेंटेड लोग दिए, जिन्हें आज पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देखती है। इनमें कुमार सोनू, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल शामिल हैं। दोस्तों सिंगर्स के अलावा गुलशन कुमार ने टी सीरीज के प्लेटफॉर्म पे नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी मौका देना शुरू किया। इन म्यूजिक डायरेक्टर में एक फेमस जोड़ी रही नदीम श्रवण की। नदीम सैफी और श्रवण राठौर ने टी सीरीज के प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए अनेक गाने डायरेक्ट किए, जिनमें आशिकी मूवी के गाने सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। इस एल्बम ने नदीम श्रवण की जोड़ी को बॉलीवुड में नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। टी सीरीज के प्लेटफॉर्म से लॉन्च आशिकी मूवी के गानों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 20 मिलियन कॉपीज बिकने के साथ टी सीरीज के इन गानों ने न केवल सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, बल्कि इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसके आसपास भी अब कोई दूसरी कंपनी नहीं खड़ी रही। समय के साथ गुलशन कुमार ने अनेक ऐसे हिट्स दिए और देखते ही देखते एक ऐसा समय आया जब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का 65% म्यूजिक मार्केट गुलशन कुमार ने कैप्चर कर लिया था। बचे हुए 35% हिस्से में बाकी कंपनी सर्वाइव कर रही थी। दोस्तों टी सीरीज के इस सक्सेस के पीछे गुलशन कुमार के व्यक्तित्व को माना जाता है। गुलशन कुमार ने हमेशा नए चेहरों को मौका दिया, ऐसे सिंगर्स, प्लेबैक आर्टिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्हें मेन इंडस्ट्री में जगह नहीं मिल पाती थी, उन्हें गुलशन कुमार वो मौका देते थे। समय के साथ जब वो आर्टिस्ट स्टार बन जाते तो गुलशन कुमार फिर उनसे किनारा कर लेते और नए टैलेंट को ढूंढने
निकल जाते। शायद यही कारण है कि आज हमें बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सिंगर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें टी सीरीज ने म्यूजिक इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया है। दोस्तों, जहां एक ओर गुलशन कुमार की स्ट्रेटजी ने टी सीरीज और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को नए टैलेंट्स दिए, कहा जाता है कि शायद उनकी इसी रणनीति के कारण उनकी मौत की साजिश रची गई। इस साजिश के पीछे की कहानी तब शुरू हुई जब नदीम सैफी ने अपने गाए गानों को प्रमोट करने के लिए गुलशन कुमार के ऊपर दबाव डाला। कहा जाता है कि यूं तो नदीम और श्रवण अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, लेकिन नदीम सैफी खुद गाना भी चाहते थे। इसी कारण से नदीम श्रवण द्वारा डायरेक्टेड एक नए एल्बम हाय अजनबी में नदीम ने कुछ गाने खुद गाए थे। नदीम ने गुलशन कुमार को उनके गाने प्रमोट करने के लिए दबाव डाला। गुलशन कुमार ने इतने सालों का साथ और आपस की दोस्ती देखते हुए काफी इनकार के बाद हाय अजनबी एल्बम को मार्च 1997 में रिलीज किया, लेकिन एल्बम नहीं चली और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नदीम सैफी का गुलशन कुमार के ऊपर ये इल्जाम भी था कि चूंकि उन्होंने इस एल्बम को प्रॉपर्ली प्रमोट नहीं किया था, जिस कारण आम जनता ने उन गानों को पसंद नहीं किया। लेकिन गुलशन कुमार का कहना था कि नदीम बेशक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लेकिन एज अ सिंगर उनकी आवाज अच्छी नहीं है और वो अब उनके दूसरे गाने प्रमोट नहीं करेंगे। गुलशन कुमार द्वारा इनकार किए जाने के बाद नदीम सैफी और गुलशन कुमार के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। इसके बाद गुलशन कुमार ने दूसरे एल्बम्स के गानों को प्रमोट करने से मना कर दिया। दोस्तों, क्योंकि नदीम और श्रवण तब तक एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के तौर पे बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके थे, तो गुलशन कुमार ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वो अब फिर से नए टैलेंट को ढूंढना चाह रहे थे। टी सीरीज के नदीम श्रवण के गानों की राइट्स लेनी बंद कर दी। गुलशन कुमार के इस एक्ट को नदीम ने यूं समझा कि गुलशन कुमार उन्हें अब बॉलीवुड से हटाना चाह रहे हैं और उनका करियर डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। इस तरह दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच गुलशन कुमार को मुंबई अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलती है। दोस्तों, उस समय अंडरवर्ल्ड द्वारा ऐसी धमकियां मिलना बॉलीवुड के लिए आम बात थी। ये वो समय है जहां बॉलीवुड स्टार्स अंडरवर्ल्ड को प्रोटेक्शन मनी भी देते थे और उनके द्वारा सुनाए गए हर फैसले को मानते भी थे। कई ऐसी भी कहानियां हैं जहां किसे हीरो लेना है, किसे हीरो के रोल से हटाना है, एक्ट्रेस कौन होनी चाहिए, मूवी के इन इंटरनल डिसीजंस में भी अंडरवर्ल्ड ने अपनी मनमानी चलवाई। गुलशन कुमार भी बॉलीवुड के नामी हस्तियों में से एक थे और उन्हें भी एक्सटॉर्शन मनी के लिए धमकी मिली। धमकी देने वाला शख्स था दाऊद इब्राहिम का क्लोज एड अबू सलीम। दोस्तों, 1996 में गुलशन कुमार को किए गए इस फोन कॉल के जरिए उनसे एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट की डिमांड की गई, जिसे उन्होंने चुपचाप पे कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुसीबत अभी टली नहीं है। नदीम सैफी, जो गुलशन कुमार से नाराज थे, उनके अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम से अच्छे रिलेशंस थे। कहा जाता है कि नदीम ने अबू सलीम और अनीस इब्राहिम से गुलशन कुमार को लेकर शिकायत की और उन्हें अर्ज किया कि वो उसे सबक सिखाएं। इसके बाद 1997 में गुलशन कुमार को अबू सलीम द्वारा दोबारा कॉन्टैक्ट किया गया। उनसे फिर एक बार एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की गई। इस बार वो अमाउंट था 10 करोड़। दोस्तों, 1997 में 10 करोड़ एक बड़ा अमाउंट था जो किसी भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी इमीडिएटली पे करना मुश्किल था। इस बार अबू सलीम ने एक्सटॉर्शन मनी के अलावा गुलशन कुमार के ऊपर नदीम के गानों को प्रमोट करने का भी दबाव बनाया। गुलशन कुमार ने अबू सलीम के सामने अपनी बातें रखी और उनसे कहा कि वो पहले ही एक बार पैसे दे चुके हैं और साथ ही उन्होंने नदीम के कुछ गानों को प्रमोट किया था, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा ना मिलने के कारण उन्होंने दूसरे गानों को प्रमोट नहीं किया। लेकिन इन सारे एक्सप्लेनेशंस के बावजूद अबू सलीम ने अपनी डिमांड को बदलने से इनकार कर दिया। गुलशन कुमार परेशान हो गए और उन्होंने अपने भाई किशन कुमार से इस बात पर चर्चा की। किशन कुमार ने उन्हें पुलिस रिपोर्ट करने का सजेशन दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो अंडरवर्ल्ड के साथ झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। दोस्तों, इन सब मुसीबतों में 2-3 दिन गुजर गए। इसके बाद अबू सलीम ने 8 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को कांटेक्ट किया और सीधे चेतावनी दी कि वो उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इसका अंजाम बुरा होगा, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। दोस्तों, गुलशन कुमार एक धार्मिक व्यक्ति थे। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद वो रोजाना मंदिर जाया करते थे। 12 अगस्त 1997 की सुबह भी गुलशन कुमार मुंबई के जुहू एरिया में स्थित जीतेश्वर मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहे थे। अब्दुल रौफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, अब्दुल राशिद और एक तीसरा शख्स उन्हें अपनी गाड़ी तक पहुंचने से पहले रोकता है। उनमें से एक कहता है,
बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके करना। और इतना कहने के साथ ही उनपे एक के बाद एक गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें उन्हें 16 गोलियां लगती हैं। गुलशन कुमार इस हमले से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। गुलशन कुमार को बचाने के लिए बीच में आए उनके ड्राइवर रूपलाल के भी दोनों पैरों में गोली मार दी जाती है। गुलशन कुमार को कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों 30 अगस्त 1997 को मुंबई पुलिस द्वारा नदीम सैफी को एक की कॉन्स्पिरेटर डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि अनीस इब्राहिम, अबू सलीम और नदीम सैफी ने मिलकर गुलशन कुमार का मर्डर प्लान किया था। लेकिन इन सब के बीच नदीम सैफी इंडिया छोड़ यूके भागने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों इस केस में मुंबई पुलिस टिप्स कैसेट कंपनी के ओनर रमेश तौरानी को भी कॉन्स्पिरेटर मानते हैं और अक्टूबर 1997 में उन्हें अरेस्ट करती है। पुलिस का कहना था कि रमेश तौरानी ने अब्दुल रौफ और अब्दुल राशिद को गुलशन कुमार के मर्डर के बाद 25 लाख रुपए दिए थे। आगे चलकर मुंबई पुलिस द्वारा 400 पेजेस की चार्जशीट में 26 लोगों को इस हत्या का आरोपी बताया जाता है। जून 2001 से इस मर्डर का ट्रायल शुरू होता है, जिसमें 19 में से 18 लोगों को कोर्ट सबूतों के अभाव में बरी कर देती है और केवल अब्दुल रौफ उर्फ दाऊद मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट अप्रैल 2002 में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। रमेश तौरानी को भी कोर्ट सबूतों के अभाव में बरी कर देती है। दोस्तों अब्दुल रौफ 2009 में अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल पे रिहा होता है, लेकिन वो बांग्लादेश फरार हो जाता है। बांग्लादेश पुलिस द्वारा फेक पासपोर्ट के साथ अरेस्ट होने के बाद उसे बांग्लादेश कोर्ट 5 सालों की सजा सुनाती है, जिसके बाद उसे 2016 में इंडिया के हवाले कर दिया जाता है। मुंबई पुलिस अब्दुल रशीद को भी सजा दिलवाने के पक्ष में हाईकोर्ट में अपील करती है, जिसके अंत में इस साल 1 जुलाई 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट अब्दुल राशिद को भी की कॉन्स्पिरेटर मानते हुए उसके भाई अब्दुल रौफ के साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस एनआर बोरकर की बेंच में इन हत्याओं को किसी भी तरह की लीनियंसी देने से इनकार करते हुए अब्दुल राशिद को सरेंडर करने का हुक्म दिया। इसके अलावा सबूतों के अभाव में टिप्स कैसेट के ओनर रमेश तौरानी को भी बरी करने के फैसले को कायम रखती है। दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी में ये एक ऐसा किस्सा है जो हमेशा हमें शहर के चमकते बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के अंधेरे के बीच का रिश्ता याद दिलाता रहेगा। टी सीरीज फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर ने न केवल आने वाले सालों में मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर गहरा इम्पैक्ट डाला, बल्कि मुंबई पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कई नाकामियों को सबके सामने लाकर रखा। मुंबई पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे राकेश मारिया ने यह एक्सेप्ट किया कि उन्हें गुलशन कुमार के मर्डर कॉन्स्पिरेसी की सूचना पहले ही मिली थी, लेकिन गुलशन कुमार को उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन दी गई थी और मर्डर के दिन गुलशन कुमार का बॉडीगार्ड लीव पर था। दोस्तों नेग्लिजेंस किसी की भी रही हो, और आज हम इस कॉन्स्पिरेसी को कितना ही इन्वेस्टिगेट कर लें, अब्दुल रौफ और अब्दुल राशिद के अलावा सारे आरोपी रिहा हो चुके हैं। नदीम सैफी ने भी ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली है और वो दुबई में परफ्यूम का बिजनेस रन करता है, और इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री गुलशन कुमार जैसी बड़ी हस्ती को खो चुकी है। यही हमारा आज का सत्य है। दोस्तों गुलशन कुमार द्वारा जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में खिलाए जाने वाले लंगर आज भी टी सीरीज द्वारा चलाया जा रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा, जिससे हम गुलशन कुमार को याद रखेंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।